बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो वो तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस कौन से है? तो पहला वाला इक्वेशन है डी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, द फर्स्ट इक्वेशन इज वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। चलो सेकेंड इक्वेशन कौन सा है? सेकेंड इक्वेशन इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सो ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन थे, उसके ऊपर आज हम लोग सम्स देखने वाले हैं, ठीक है? ऑलराइट, अभी इसमें व्हाट डज वी स्टैंड्स फॉर? वी स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी। वी स्टैंड्स फॉर व्हाट? वी स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी। यू मतलब क्या? यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ए मतलब क्या? ए मतलब एक्सीलरेशन। ए मतलब क्या? एक्सीलरेशन। एस मतलब क्या? एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। एंड टी मतलब टाइम। अच्छा, अभी इसमें हिंट क्या है? तो अगर आपको न्यूमेरिकल दिया, न्यूमेरिकल देने के बाद उसको सम को पढ़ने का, एंड सबसे पहले जो भी गिवन डेटा है उसमें यूनिट्स चेक करने का। क्या चेक करने का? यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया होगा 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड है इसका मतलब इट इज आइदर गोइंग टू बी फाइनल वेलोसिटी और इट इज आइदर गोइंग टू बी इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इफ इट इज मीटर पर सेकेंड तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन दिया है। क्या दिया है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज गिवन बाय लेटर, स्मॉल लेटर ए। अगर सिर्फ मीटर होगा, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर, इसका मतलब क्या? अपने को दिया है गिवन में एस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एंड टाइम क्या होता है? टाइम इज ऑलवेज इन सेकेंड्स। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू रिमेम्बर। अच्छा, यहाँ पे एटी मतलब क्या? एटी मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय टी। एटी मतलब क्या? ए मल्टीप्लाइड बाय टी। यूटी मतलब क्या? यूटी मतलब यू मल्टीप्लाइड बाय टी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो यू आर सपोज्ड टू रिमेम्बर दीज फॉर्मुलेस, एंड इसके ऊपर आज हम सम सॉल्व करने वाले। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट सम। सो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर टू, आपका जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसमें हम लोग सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। सो व्हाट डज द सॉल्व एग्जाम्पल सेज? द सॉल्व एग्जाम्पल सेज एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन अ रनवे। मतलब क्या? एरोप्लेन चलने वाला है, राइट? द एरोप्लेन हैज स्टार्टेड मूविंग फॉर 30 सेकेंड्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिफोर टेकिंग ऑफ। तो अगेन आई रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिफोर टेकिंग ऑफ। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। चलो सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? सेकेंड स्टेटमेंट सेज हाउ मच डिस्टेंस विल इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे। द सेकेंड स्टेटमेंट सेज हाउ मच डिस्टेंस Would it have covered on the runway? मतलब अपन क्या करना है अभी? अभी ये सम दिया ना, सम को अपन कभी पूरा नहीं पढ़ने का। What we do is we are going to split the sum into the statements. अभी पहला स्टेटमेंट देखो, पहले स्टेटमेंट में आपको क्या क्या दिया है? पहले स्टेटमेंट में गिवन डेटा निकालने का कोशिश करने का। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको समझ में आ गया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में 30 seconds, 30s मतलब 30 seconds दिया है। तो आपको पता चलना चाहिए कि 30 सेकेंड्स मतलब व्हाट इज द गिवन डेटा। सेकेंडली 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या? 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। तो ये सम का मतलब क्या होता है कि एरोप्लेन है वो क्या करना, धीरे धीरे चलने लगा। उसने एक्सीलरेशन दिया, कितना एक्सीलरेशन दिया? तो 3.2 मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन दिया। कितने टाइम के लिए दिया? तो 30 सेकेंड्स के लिए दिया। एंड देन फिर उसने टेक ऑफ किया। दिस इज व्हाट द सम सेज। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट द गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में क्या आएगा? गिवन डेटा में आएगा 30 सेकेंड्स मतलब टाइम, एंड एक्सीलरेशन ए is nothing but 3.2 meter per second square. So this is what you are supposed to do. जैसे ही आप सम पढ़ते हो, सबसे पहला लिखने का गिवन डेटा।
जो जो आपको समझ में आता है उसको क्या करने का, उठाने का और लगाने के लिए का। सो आई नो 30 seconds दैट इज टाइम, तो मैंने टी लिख लिया 30 seconds। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज 3.2 meters per second। चलो अगर ये एक्सेलरेशन ये वर्ड नहीं भी देते फिर भी इफ आई जस्ट लुक एट द यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आई वुड हैव अंडरस्टूड दैट एक्सेलरेशन इज गिवन टू मी। उसके बाद वह हिडन डेटा, एक स्टेटमेंट में हिडन डेटा है। अच्छा ये हिडन डेटा क्या है, तो अभी एरोप्लेन ना ऐसे पहले रेस्ट पोजिशन पे था, एरोप्लेन रेस्ट पोजिशन पे था एंड देन उसने क्या किया, एक्सेलरेशन देना चालू किया, मतलब उसका वेलोसिटी चेंज होना चालू होगा। अगर एरोप्लेन रेस्ट पोजिशन पे है इसका मतलब उसका कौन सा वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, रेस्ट पोजिशन में है मतलब कोई तो वेलोसिटी जीरो होगा। अगर एरोप्लेन रेस्ट पोजिशन पे है तो उसका कौन सा वेलोसिटी जीरो होगा, तो ऑफकोर्स उसका होगा initial velocity that is u is going to be 0 meter per second. So ye hidden data tha, ye kya tha, hidden data which I did not know but I understood ki object rest pe tha matlab uska initial velocity kya ho gaya 0 meter per second. So what I understand is the first itself statements mujhe 3 given data mile, mujhe 3 given data mile, pehla mila isme initial velocity kahan se initial velocity pata because aeroplane initially was at rest, matlab kya aeroplane ka pehli ka velocity padi. Kinematically equations mein we have seen t A, U, S, ये सारे चीजें हमने kinematical equations में देखे, तो मुझे given and find से पता चला कि I am supposed to use a formula which is going to be from kinematical equations. तो आपको given data and find से ही पता चलना चाहिए कि मुझे formula use कहाँ से करना है, I have to use formula from kinematical equations. चलो कितने kinematical equations देखे अपने, 3 kinematical equations. First is V is equal to U plus AT. Second कौन सा है? Second is S equals to UT plus half AT square. And third कौन सा है? V square is equals to U square plus 2AS. अभी ये तीनों kinematical equations में से कोई तो एक kinematical equation है जिसको अपन use करके अपने को answer मिलना चाहिए. चलो, अभी let us see the given data. And let us see what are we supposed to find. तो given में देखो, given में t दिया है, a दिया है, u दिया है, and what are we supposed to find? We are supposed to find s. Now take 30 seconds and try to figure out अपने को ये तीन kinematical equations में से ऐसा कौन सा equation है, अपने को तीन kinematical equation में से ऐसा कौन सा इक्वेशन है wherein we have t, wherein we have t, a, u and s. I repeat, तीन kinematical equations में से ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें मुझे t भी मिलता है, a भी है उसमें, u भी है उसमें, s भी है उसमें. Just look at the three equations and see which is the equation which we are going to use. If you must have identified, the equation is second equation, that is S equals to UT plus half AT square. So S equals to UT plus half AT square, ऐसा equation है, जिसमें S है, देखो S मुझे चाहिए, right? तो equation में S है. U दिया है मुझे, given में U दिया है. T भी दिया है, I have T. हाफ तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. चलो ए देखते हैं, ए है क्या, ए भी दिया है एंड फाइनली टी वापस से टी भी दिया है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, आई एम गोइंग टू यूज फॉर्मूला एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज. चलो अभी लेट अस लुक एट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कैसे करने का,
सॉल्यूशन में करते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसा लिख दिया. चलो नाउ व्हाट आई एम सपोज व्हाट आई एम ट्राइंग व्हाट आई वांट यू टू डू इज ये एग्जांपल है ना, एग्जांपल में गिवन लिखो, फाइंड लिखो, फॉर्मूला लिखो फटाफट. कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले वो फॉर्मूला लिखो, राइट इट क्विकली. लुक एट द क्वेश्चन, राइट गिवन डेटा, राइट गिवन डेटा, फाइंड एंड फॉर्मूला, क्विकली राइट गिवन डेटा, फाइंड एंड फॉर्मूला. फॉर्मूला तीनों मत लिखना, जो अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है वही लिखना, जो फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं वही लिखना. एग्जाम में भी तीनों फॉर्मूला लिखने का नहीं, आपको जो फॉर्मूला यूज होने वाला है दैट फॉर्मूला यू आर सपोज्ड टू राइट इन द फॉर्मूला सेक्शन. व्हेनेवर यू सॉल्व न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में गिवन होना चाहिए, फाइंड लिखना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, एंड देन लास्ट में आएगा अपना सोल्यूशन. सो क्विकली राइट, डू नॉट राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो मत, क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है. डू नॉट राइट द क्वेश्चन, क्विकली राइट गिवन, फाइंड, फॉर्मूला, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्विंग ऑफ द सम. चलो, सो नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस सम. तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में व्हाट आई डू इज आई टेक द फॉर्मूला. तो मैं फॉर्मूला जो है वो वापस वैसे का वैसा चिपका दिया इधर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ इफ यू ट्राई टू सी, मुझे अभी सब्सटीट्यूशन करना है, क्या करना है सब्सटीट्यूशन. अभी फिजिक्स इधर खत्म हो गया, अभी चालू क्या होता है, अभी चालू होता है अपना मैथ्स. तो अगर अपने को मैथ एकदम मस्त आता है तो ये सम सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो नाउ लेट अस सी. चलो s का वैल्यू दिया है क्या, s का वैल्यू दिया है क्या, नहीं. s इज समथिंग विच वी आर सपोज टू फाइंड. तो मैंने क्या किया, s के जगह पे वैसे का वैसा लिख दिया. चलो अच्छा, इज इक्वल टू वैसे का वैसे आ गया. u, चलो u का वैल्यू किधर है, u का वैल्यू है जीरो. तो मैंने क्या किया, u के जगह पे जीरो लिख दिया. ut है, t एंड u के बीच में कुछ नहीं है, मतलब कौन सा साइन दिया, मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया. Now t, how much is t? T is 30 seconds. 30s नहीं लिखेगा. I am just going to write the number 30. When you substitute the values, कभी भी values के साथ साथ उसका unit लिखने का नहीं. Final answer में unit लिखने का. अच्छा, formula का plus वैसे का वैसा. ये half भी वैसे का वैसा. अभी half के बाद में फटक से a लिखा है, तो what are we going to do? We are going to give multiplication का sign. How much is a? A is 3.2 meter per second square. तो मैंने a के जगह पे लिखा 3.2. वापस multiplication का sign and t square, मतलब t is 30. तो मैंने क्या किया, t square के जगह पे लिखा 30 का square. So also substitute these values. Quickly substitute these values. Try to do it on your own. आपने given data लिखा है, find लिखा है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में. चलो फटाफट करो. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो द वे विथ विच वी हैव डन. एस वैसे का वैसा इक्वल्स टू यू के जगह पे जीरो मल्टीप्लाइड बाय टी के जगह पे 30. ये प्लस वैसे का वैसा, हाफ वैसे का वैसा, ए के जगह पे 3.2, हाफ एंड 3.2 के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, 3.2 मल्टीप्लीकेशन के बाद टी स्क्वायर आता है, मतलब टी इज हाउ मच, 30, तो 30 का स्क्वायर. चलो अभी नेक्स्ट स्टेप. अच्छा यहाँ पे देखो जरा, व्हाट इज 0 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल्स टू, 0 मल्टीप्लाइड बाय 30 मतलब होगा 0. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 30 इज
एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो इटसेल्फ, तो मैं ये जीरो लिख सकता है. ऑल्सो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर इज 900. तो मैं ये नेक्स्ट स्टेप में कर सकता है क्या? सो नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एस वैसे का वैसा लिख दिया, इक्वल टू साइन वापस वैसे का वैसा लिख दिया, जीरो इंटू 30 दैट इज इक्वल टू जीरो प्लस ये हाफ है, आई राइट इट एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3.2, आई राइट इट एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 30 का स्क्वायर. हाउ मच इज इट, 30 का स्क्वायर इज 900. अभी ये जीरो को आई कैन निगलेक्ट, जीरो को व्हाट आई कैन डू, जीरो को आई कैन निगलेक्ट. कैन आई कैंसिल 2 एंड 3.2? कैन आई कैंसिल 2 एंड 3.2? कैसे, कितना जाएगा, कितने से जाएगा, 2 वन टाइम्स एंड 3.2 क्या होगा, 1.6. सो 3.2 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट आंसर डू आई गेट, आई गेट 1.6. तो अभी बचा क्या, बचा s इक्वल्स टू 1.6 इंटू 900. s इक्वल्स टू 1.6 इंटू 900. तो अभी 1.6 इंटू 900 को सॉल्व करो, चलो फटाफट मल्टीप्लीकेशन करो, फटाफट मल्टीप्लीकेशन करो, 1.6 इंटू 900 का मल्टीप्लीकेशन करो. कितना आएगा देखो जरा, when you multiply 1.6 into 900, I get 1440. क्या आएगा, 1440. अच्छा, मुझे displacement मिला, क्या मिला मुझे, displacement मिला या distance traveled by the airplane मिला. तो distance traveled by the airplane, distance ढूंढा मतलब उसका unit क्या आएगा, तो unit आएगा meter. तो इसके लिए 1440 को छोड़ के देखने का नहीं, what are we supposed to write after writing 1440, we are also supposed to mention the unit of the quantity found, so वहाँ पे आएगा meter. What is distance equals to, distance equals to 1440 meter, distance equals to 1440 meter. So this is the first example. So here if you see example solve karte vakt, what are you supposed to do, you are supposed to write the given, find formula, and then we are supposed to write the solution. So ye ho gaya first example, right? All right, now let us see the another example. So we are going to solve solved example, which is solved example number 4. To abhi jaise humne solved example 2 dekha, pehle wala example dekha, waise hi thoda similar hai solved example number 4. So same thing karne ka, kya karne ka, पूरा का सूरा सम कभी एक साथ पढ़ने का नहीं. What you are supposed to do is read the sum and try to extract the data जो आपके सामने दिखता है. So let us read the sum first. So the sum says a motorboat starts from rest. चलो इधर हिंट दे दिया अपने को, क्या हिंट दिया अपने को, motorboat start हो गया rest से. Aeroplane भी start कहाँ से हो गया था, rest से. So we just saw जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो कुछ तो जीरो होता है. क्या जीरो होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है. दिस इज द हिडन डेटा विच वी डिस्कवर्ड. सो यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू या वी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू, तो इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो, वो हम लोग बाद में लिखेंगे. लेट अस लुक एट द सम फर्स्ट. सो motorboat starts from rest, वो rest से चालू हो गया, मतलब initial velocity zero है, ये hidden data मुझे पता चला. And moves with uniform acceleration, acceleration अपने को दिया नहीं है,
तो अपने को फर्स्ट स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही हिडन डेटा समझ में आ गया, दिया नहीं फिर भी अपने को समझ में आया. ऑल राइट, इफ इट अटेन्स द वेलोसिटी, इफ इट अटेन्स द वेलोसिटी मतलब उसने वेलोसिटी अचीव किया. कितना अचीव किया वेलोसिटी? तो 15 मीटर पर सेकेंड. ऑफकोर्स अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो ये कौन सा वेलोसिटी होना चाहिए 15 मीटर पर सेकेंड? तो लॉजिक लगाओगे तो ये वेलोसिटी होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी. कौन सा वेलोसिटी होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी? तो हम लोग उसको बाद में लिखेंगे. चलो नेक्स्ट, इन 5 सेकेंड. चलो 5 सेकेंड मतलब आंख बंद करके पता चलेगा ये कौन सा क्वांटिटी है. कौन सा क्वांटिटी है ये? द क्वांटिटी इज टाइम. सो व्हाट आई डू इज आई राइट द गिवन डेटा. जितना जितना मुझे गिवन डेटा पता है आई एम गोइंग टू राइट. क्या किया मैंने? टाइम मुझे पता है 5 सेकेंड, सो मैंने टाइम टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड लिखा. देन आई नो द मोटर बोट वॉज एट रेस्ट. रेस्ट है तो इसके लिए आई अंडरस्टूड दैट इनिशियल वेलोसिटी यू इज 0 meter per second. द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई अंडरस्टूड इज एक्सीलरेशन आई नीड टू फाइंड. चलो वो फाइंड का पार्ट है, वी विल सी दैट लेटर ऑन. बट आई सॉ दैट 15 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी बोट ने अचीव किया या अटेन किया. मतलब उसका वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी. व्हाट इज इट? इट इज द फाइनल वेलोसिटी. सो फर्दर इफ यू ट्राई टू सी, अपने को अभी लिखना है फाइंड. क्या करना है फाइंड? कैलकुलेट द एक्सीलरेशन. बहुत सिंपल है. क्या करने का है? एक्सीलरेशन ढूंढना है, मतलब ए ढूंढना है. एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट दैट टाइम. एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब क्या? आई एम सपोज टू फाइंड विच लेटर? आई एम सपोज टू फाइंड, आई एम सपोज टू फाइंड लेटर एस. So what are we supposed to find? We are supposed to find acceleration and we are supposed to find distance. We are supposed to find acceleration and we are supposed to find distance. Acceleration A, distance S. So this is what we are supposed to find. Chalo, abhi ye main ye jo given and find dekhta hu na, T, U, V, A, S. Ye saare cheeze dekh ke, I recall the 3 kinematical equations. So, mere paas honge 3 kinematical equations, which are going to be V is equals to U plus AT, S equals to UT plus half AT square, and V square equals to U square plus 2AS. So, this is what we are supposed to. Humko ye pata chala ki ye 3 equations rahenge. Now, we are not going to use all these 3 equations, but mujhe kya karna hai? मुझे आइडेंटिफाई करना है. क्या करना है मुझे? आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इक्वेशन किसके लिए यूज करना है. ठीक है, चलो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. एक्सीलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब ए, टी, U and V. ये तीनों को यूज करके विल आई हैव अ फॉर्मूला. डू आई हैव अ फॉर्मूला विच कंटेन्स टी, यू, वी एंड ए. देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? करेक्ट. इफ यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड, इट इज गोइंग टू बी फर्स्ट इक्वेशन V इक्वल्स टू U प्लस ए टी. वेरी नाइस. इफ यू हैव आइडेंटिफाइड दिस, इट इज अमेजिंग. नेक्स्ट, अच्छा चलो अभी मुझे एस ढूंढना है. क्या ढूंढना है? एस. तो एस ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता है? चलो एस ढूंढने के लिए मेरे पास टी है, वी है, यू है एंड ए तो मैं ढूंढ ले रहा है ना. ए ढूंढना बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में ढूंढ लेगा मैं. तो इफ यू सी, एस मुझे डायरेक्टली इसमें से मिल सकता है क्या? सेकेंड इक्वेशन में से. देखो जरा, एस is equals to U दिया है, T दिया है, half तो half तो constant ही है. A मुझे इधर से मिल जाएगा ना, first में से, of course, and T भी दिया है, so can I use second equation? Yes, I can use second equation. So A के लिए what I'm supposed to do to find acceleration, I'm going to use formula V equals to
u plus at, and distance ke liye I'm going to use formula s equals to ut plus half at squared. चलो अभी substitute करना है. How do I substitute the values? Substitute करने के लिए what I do is v equals to u plus at. चलो तो v equals to u. अच्छा before substituting the values, फटाफट एक काम करो. What you do is write the given data, find and the formulas which we are going to use. So do it quickly. Write the given data so that we can simultaneously solve. Write the given data, find and the formula. फिर solution हम लोग साथ में करेंगे. Given, find formula. Formula तीनों मत लिखो, जो formula आप use करने वाले हो उसको ही लिखना. Quickly, you can refer the question later on. आपके textbook का solved example number 4 है. Do not write the question, just write given, find and formula. फटाफट लिखना. पूरा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली राइट इट एज यू वी बिकॉज वी हैव लर्नड इट. वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट. ऑल राइट, चलो अभी सब्स्टिट्यूशन देखते हैं. इफ यू मस्ट हैव रिटन, लेट अस लुक एट द सब्स्टिट्यूशन. यू हैव टू क्विकली डू दैट बिकॉज वी विल बी रनिंग आउट ऑफ टाइम. So let us quickly see the substitution. So what is the formula? Formula is v equals to u plus at. Chalo. Abhi v kitna diya hai? V kitna diya hai? V dekho. V kitna hai? 15 meter per second. Is jagah pe 15 substitute karne. Next line mein likhne ga isko. To v ke jagah pe 15 equal to sine vaisa. अच्छा यू देखते, चलो यू देखते, गिवन में देखते यू दिया है क्या. यू कितना है? यू इज जीरो. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन प्लेस ऑफ यू, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट जीरो प्लस वैसे का वैसा. ए दिया है क्या? ए चलो आगे ए तो फाइंड कर रहा है ना, तो ए के जगह पे मैं कुछ नहीं लिखेगा. ए के जगह पे मैं उसको वैसे का वैसा ए लिखेगा. यस आई कैन राइट द मल्टीप्लीकेशन एज इट इज. And finally, how much is t? T is nothing but 5 seconds. So many seconds. बहुत सिंपल है. अभी क्या आएगा? जीरो को मैं a मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई करेगा. जीरो को मैं ऐड करेगा a मल्टीप्लाई बाय 5 से. मुझे क्या मिलेगा? किसी फर्क नहीं पड़ने वाला. ये एक्सीलरेशन का यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन इक्वल्स टू? 3 meters per second squared. सो दिस इज हाउ यू गेट द एक्सीलरेशन. बट अभी इतना करके चुप बैठने का क्या? नहीं, इतना करके वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. क्या ढूंढने का है? डिस्टेंस ढूंढना है. सो हाउ डू आई फाइंड डिस्टेंस? तो डिस्टेंस के लिए आई एम गोइंग टू यूज फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला है इधर नेक्स्ट इज आई नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. अच्छा चलो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं. s मुझे पता नहीं है, s आई नीड टू फाइंड. तो s वैसे का वैसा इक्वल टू u. अगेन u गिवन में देखो, u कितना है? u जीरो है. u जीरो. ut मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन बीच में. t इज हाउ मच? टाइम इज
5 seconds तो मैंने क्या किया, 5 लिखा बट सेकेंड नहीं लिखेगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखते, प्लस हाफ वैसे का वैसा लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच इज ए, अगे ए तो दिया नहीं है यूनिट, ए दिया ही नहीं है ना गिवन में, ए किधर से ढूंढूं मैं, ए किधर से लिखूं मैं, अच्छा डिड वी फाइंड ए, यस वी डिड फाइंड ए, ए यहां से मिला ना मुझे, सॉरी ए ए आई फाउंड इट योर बाय वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ए कितना है, ए इज 3 meters per second, तो मैंने क्या किया ए के जगह पे 3 लिख दिया, टी स्क्वेयर, टी स्क्वेयर मतलब क्या 5 का स्क्वेयर, टी इज 5 तो टी स्क्वेयर मतलब 5 का स्क्वेयर, ऑलराइट इफ यू ट्राई टू सी 0 मल्टीप्लाइड बाय 5, 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो तो 0 ही होगा, तो ये तो 0 बन जाएगा, सो व्हाट इज 5 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर इज 25, 5 का स्क्वेयर इज 25, तो आएगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा एस, नेक्स्ट स्टेप में आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा एस equals to 0 into 5 will be 0, addition half 3 multiplied by 3 multiplied by 5 square will be 25. Chalo abhi 2 ko 3 se divide kiya, sorry 3 ko 2 se divide kiya, kya kiya maine 3 ko 2 se divide kiya, to kya milega mujhe, 3 divided by 2 is 1.5, kya milega 1.5, तो मैंने 1.5 लिख दिया, क्या आएगा 2 ones are 2 1 times, 3 को डिवाइड किया तो 1.5, नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट, वी लेफ्ट विथ विथ s इक्वल्स टू इट मल्टीप्लाइड बाय 25, आई राइट इट एज इट इज, सो अभी कैन यू मल्टीप्लाई 1.5 and 25, multiply 1.5 into 25, multiply 1.5 into 25, when you multiply 1.5 into 25, kargo, fatta-fat multiplication kargo, multiply 1.5 into 25, kitna aega answer, achha, jo bhi answer aega, let us say, kuch answer mila, xyz answer mila, uske baju mein kya likhne ka, zara batao mujhe, एस का जो भी आंसर मिलेगा उसके बाजू में क्या लिखोगे, एंड में उसका यूनिट क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड आंसर मिला मुझे पता नहीं लेटर से, उसका यूनिट क्या लिखोगे, बट उसका यूनिट लिखोगे मीटर, बिकॉज डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, सो जस्ट कैलकुलेट 1.5 इंटू 25 कितना आया आंसर, 1.5 इंटू 25 इज गोइंग टू बी 37.5 एंड द यूनिट इज गोइंग टू बी मीटर, बिकॉज हमने ढूंढा डिस्टेंस, क्या ढूंढा अपन ने, हमने ढूंढा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द इक्वेशंस बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल और द सम्स बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशंस, चलो क्विकली जस्ट नोट दिस डाउन एंड वी विल हैव टेक 1 मिनट टू राइट दिस डाउन एंड देन वी विल हैव डाउट सॉल्विंग.